हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमास किचन। तो आज हम बनाएंगे अप्पे, जो कि खाने बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और बहुत ही आसानी के साथ बनने वाले, बहुत ही कम ऑयल के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी ली है बारीक वाली, और 1/2 कप दही और 1/2 ग्लास पानी। यहाँ पर मैंने आधी शिमला मिर्च ली, इसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। इसी तरह से गाजर को भी बारीक बारीक पीस में कट कर लिया है। हरी मिर्च, टमाटर, प्याज, कड़ी पत्ता, इन सबको मैंने बारीक बारीक पीसेस में कट कर लिया है। बाकी आपकी कोई पसंद की सब्जी और हो, आप उसको भी इसके अंदर इस तरह से ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने मसाले लिए हैं, वो सरसों के दाने 1/2 चम्मच, लाल मिर्च 1/2 चम्मच, नमक टेस्ट अकॉर्डिंग, बेकिंग सोडा 1/4 स्पून, और काली मिर्च के 8 से 10 दाने कूटे हुए। अब एक बाउल में हमने 1 कप सूजी ले ली है और उसके अंदर 1/2 कप दही ऐड कर दी है। और जिससे हमने दही का मेजरमेंट किया है उसी कप से हम 1/2 कप पानी लेंगे और उसको हम ऐड कर देंगे सूजी में। और उसका हमें एक स्मूथ सा बैटर तैयार करना है। उसको अच्छे से हम चलाते हुए, ये देखिए कितना अच्छे से इसका स्मूथ बैटर तैयार हो गया है। अब इसको हम 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, ताकि इसका बैटर जो अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए हमारा बैटर काफ़ी अच्छे से तैयार हो चुका है, और इसके अंदर जितनी भी मैंने सब्जियां ली थी सब सब्जियां इसके अंदर ऐड कर दी हैं, और इन्हें हम सूजी के बैटर में अच्छे से ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर मैं इसका तड़का बनाऊंगी। यहाँ पर 1/2 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, उसके अंदर 1/2 चम्मच सरसों के दाने डाले हैं, और 6 से 7 करी पत्ते लिए हैं, उसको कि मैंने रफली चॉप कर लिया है। तो इसे इस तरह से छोक लगा करके इसका इसे हमने सूजी के बैटर में ऐड कर दिया है। उसके अंदर जितने भी मैंने मसाले लिए थे वो सब ऐड कर दिए। और यहाँ पर बैटर मुझे हल्का सा टाइट लग रहा था, तो मैंने उसके अंदर 2 चम्मच पानी और ऐड किया है। उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने 1/4 स्पून जो बेकिंग सोडा लिया था वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो यहाँ पर इसे हम ज़्यादा नहीं चलाएंगे, उसको एक बार चला करके अच्छे से। अभी देखिए हमारा बैटर थे। और यहाँ पर मैंने अप्पा पैन ले लिया है, उसको हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर देंगे। और यहाँ पर जो मैंने गैस का फ्लेम रखा है वो बिल्कुल लो रखा है। इसके अंदर अगर आप चाहें तो ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ ना करें, ऐसे ही बना लें, ये बिना ऑयल के भी बन जाते हैं आराम से। इसके अंदर हम 1 चम्मच बैटर डाल देंगे। हमें 1 चम्मच से ऊपर बैटर नहीं डालना है, क्योंकि जब अप्पे फूलेंगे तो फूल के बाहर आ जाएंगे। A few moments later. 3 से 4 मिनट के बाद में अब इसे हम चेक करेंगे। देखिए हमारे अप्पे जो हैं वो एक तरफ से तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम स्टिक की हेल्प से या फिर स्पून से इसको हम ऐसे पलट देंगे, ताकि दूसरी तरफ से सिक जाए अच्छे से।
और इसी तरीके से मैं सभी अप्पों को पलट दूंगी। ये कितने अच्छे से इन पे कलर आया है। जो उप्पे हमने पलटे हैं इसको ऑयल से हम ग्रीस कर देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए फिर से इसे ढक के रख देंगे। तो ये सब चेक करते हैं। देखिए हमारे अप्पे पूरी तरह से बनकर तैयार हैं। और अब इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे अप्पे कितने अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। तैयार है हमारे अप्पे पूरी तरह से बनकर। और आइए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ, ये कितने अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए ये बाहर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। आप इन्हें सुबह के नाश्ते में, शाम की चाय के साथ, जब मर्जी आप इसको बनाकर खाइए। ये मिनटों में बनने वाली रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी है। तो आप इसे बच्चों के टिफिन में दीजिए या ऑफिस में ले जाइए, और सबको खूब पसंद आती है। और आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए। मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट्स करके बताएं आपकी रेसिपी कैसी लगी।